Good morning students class 6 subject english reader lesson 14 the necklace students now we are going to start our remaining chapter yes swiftly she tore the paper and drew out a printed card on which were these words the minister of educations and madam राम पोनियो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ़ द कंपनी ऑफ मॉन्सियर एंड मैडम लॉइजल एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी द एटींथ स्विफ्टली तुरंत उसे उस एनवेलप में से एक कार्ड निकाला और उस कार्ड में से क्या लिखा था कि देखिएगा ये कार्ड जो है कुछ नहीं एक इन्विटेशंस है इन दोनों को पार्टी में बुलाया गया और किसने बुलाया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के राम पानू ने राम पानू ने इनको बुलाया मंडे इवनिंग को जनवरी एटीन को घर पर होगा इंस्टीड ऑफ बींग डिलाइटेड एज अ हजबेंड हॉप्ड शी फ्लंग द इन्विटेशन टेबल मर्मरिंग वो ये सोचकर बड़ा खुश होता है कि मेरी वाइफ इसे पढ़कर बड़ी खुश हो जाएगी क्योंकि उसे अमीरों की पार्टीज ज़्यादा पसंद है वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है हाई सोसाइटी लाइफ को जीना चाहती है इंस्टीट खुश होने की बजाय वह टेबल पर इनविटेशन को फेंक देती है और मरमरिंग का मतलब होता है कुछ बुदबुदाना कुछ बोलते रहना बड़बड़ाना जिसे बोलते हैं कुछ बुदबुदाते हुए वो फेंक देती है इन्विटेशन्स को वट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद दिस तुम्हें क्या लगता है मुझे मैं इससे खुश हो जाऊंगी मैं इसका अचार डालूं मैं इसका क्या करूं वाई डार्लिंग आई थॉट यू वुड बी प्लीज यू नेवर गो आउट एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेजन आई हैड रिमेंडर्स ट्रबल टू गेट इट एवरी वन वांट्स वन इट इज़ वेरी सिलेक्ट एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर वो उसको कहता है मुझे लगता है कि ये इनविटेशन तुम्हें खुश करेगा तुम बाहर निकलोगी बड़ी पार्टीज़ में जाओगी इन पार्टी में हमें बुलाया है कुछ कुछ ही जो सिलेक्टेड बंदों को बुलाया गया है कुछ ही क्लर्क जो हैं हम हैं उसमें तुम देखो कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग होंगे शी लोक डैट हिम आउट ऑफ द फ्यूरियस आइज एंड सैड एंड वट डू यू सपोज आई एम एट सच एन अफेयर वह बड़े गुस्से से नजरों को से उसको देखती है और कहती है इतने बड़े बड़े लोग आएंगे तो मैं क्या पहनूंगी इसमें मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं है मिस्टर लॉइजर ने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में ही स्टेम वाई द ड्रेस यू गो टू इन इट लुक्स वेरी नाइस टू मी वो कह रुक रुक कर हकला हकला कर बोलता है कि तुम्हारे पास वो ड्रेस नहीं है जो हम थिएटर में पहन कर गए थे तुम थिएटर पहनकर जाती थी हम साथ में जाते थे तुम उस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती थी मैडम लुएजल स्टार्टेड टू क्राई मैडम लुएजल क्या है रोना शुरू कर देती है जिसके कारण वो भी अपसेट हो जाता है व्हाट्स द मैटर विद यू व्हाट्स द मैटर ही आस हेजिटेंटली शी रिप्लाइड नथिंग ओनली आई कैन आई कैन नॉट गो टू दिस पार्टी आई डोंट हैव एनी थिंग टू व्यव तो वो रोती है और उसके हसबैंड को क्या करता है उसे कंट्रोल में करता है उसके हस्बैंड उसका दिल टूटता देखे तो मेटिल्डा बताओ हम एक सिंपल सी ड्रेस लेंगे उसका कितना पैसा लगेगा बताओ वो कहता है द हसबेंड वॉज हार्ट ब्रोकन लुक हेयर मेटिल्डा ही Persisted. How much would a nice but simple dress cost? She thought for several seconds, thinking how much money she could make her husband give her without him. Refusing at last, here she replied, "I don't know exactly, what but I think I could do with it with four hundred francs." वो कहती है कि कितने पैसे लगेंगे इस ड्रेस को उसके हस्बैंड कहते हैं वो कुछ देर के लिए सोचते हैं फिर उसके हस्बैंड कह देते हैं लास्ट में उसके हस्बैंड रिप्लाई देते हैं क्योंकि उसने क्या किया था इसके मतलब अपने फ्रांसिस जो पैसे थे वो अपनी गन के लिए सेव करके रखे थे कि वो फोर हंड्रेड फ्रांसिस लगेंगे वो कहता है कि चलो मैं इसको तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस के लिए दे देता है वो वो गन खरीदने की कैंसिल कर देता है वो गन नहीं ख़रीदता लास्ट में वो रिप्लाई करता है उत्तर देता है आई डोंट नो एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि कितने की आएगी बट आई थिंक आई कुड डू इट विद फोर हंड्रेड फ्रांसिस आई थिंक फोर हंड्रेड फ्रांसिस तक आ जाएगी ये ड्रेसिस ही ग्रू स्लाइटली पेल फॉर दिस वैक्टली द अमाउंट ही हैड बिन सेविंग फॉर अ गन नेवरथलेस ही सैड वेरी वेल आई विल गिव यर फोर हंड्रेड फ्रांसिस वो एक बार सोचते हुए वो अपने अमाउंट को देखता है कि उसके पास कितना अमाउंट है तो वो फिर उसके लिए उस पार्टी के लिए वो ड्रेसेस के लिए कहता है वेरी वेल well, तुम ये फोर हंड्रेड फ्रांसिस ले जाना और अपने लिए ड्रेस ले आना ले सकती हो आप द डे ऑफ द पार्टी जूनियर एंड मैडम लोयजो सिम एंड एक्शियस वन इवनिंग हर हजबेंड सैड टू हर वट्स द मैटर विद यू यू हैव बिन बिहेविंग वेरी ऑर्डली पार्टी का जो दिन था करीब आ रहा होता है मैडम लुअजल जो है काफ़ी दुखी है फिर भी परेशान है उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि अब क्या हो गया तुम्हारे साथ अब क्या प्रॉब्लम है वो जवाब देती है अपसेट मैं काफ़ी उदास हूँ वो काफ़ी दुखी है बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर विद माई न्यू ड्रेस वो कहती है कि मैं क्या करूँ मेरे पास जो है पहनने के लिए कोई हार नहीं है पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास जाने के लिए मैं क्या पहन कर जाऊंगी हाउ स्टूपिड यू आर एक्सक्लेम हर हसबेंड गो एंड सी मैडम फॉर एस्टियर यूर फ्रेंड एंड आस्ट हर टू लैंड योर सम ज्वेल्स यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट उसका हस्बैंड चिल्लाता है कितनी पागल हो जाओ अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर के पास तुम्हारी दोस्त है उसके पास कितनी अच्छी ज्वेलरी है जाओ उनके पास ले लो उधार मांग लो उनसे पहन कर वापस दे देना वो कहती है यह सही है मैंने तो सोचा ही नहीं था शी एक्सक्न दैट्स ट्रू ये सही है आई नेवर अ थाट ऑफ इट मैंने इस बारे इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था मेरी दोस्त मैडम उससे ले लेती हूँ मैडम फॉरेस्टर से ले लेती हूँ ले ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डे शी वेंट टू सी हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ट्रबल नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसको अपनी दुख की सारी बातें बताती है परेशानी वाली कि मुझे जाना है और मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है तो मैं क्या करूं मैडम फॉरेस्टियर टुक मैडम लुइसल टू हर ड्रेसिंग रूम एंड सैड चूज माय डियर मैडम लुइसल क्या कहती है कि उसकी पसंद का हाई फिट वो कहती है मैडम लोजल फॉरेस्टर लेकर जाती है मैडम लोइजर जो है उसको ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है और कहती है कि चूज कर लो फ्रेंड जो तुम्हें अच्छा लगे मैडम लोयजल फाइनली चूज अ सुपर डायमंड नेकलेस विच शी वॉर विद हर गाउन शी वाज़ द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ द पार्टी एवरीवन नोटिस हर ऑल द मैन वांटेड टू डांस विद हर ऑल द लेड इज प्रेज हर शी रिसिव मैनी कॉम्प्लीमेंट्स मैडम लोजल फेल्ट्रूली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ मैडम लुएजल जो थे फाइनली उसकी पसंद की हाई हाई फाइव पसंद तो थी उसकी क्योंकि उसको शुरू से ही हाई फाइव चॉइसिस थी फिर वो लास्ट में एक डायमंड का नेकलेस चूज कर लेती है और कहती है तुम मुझे दे दोगी पार्टी वाले दिन वो अपने गाउन के साथ वो नेकलेस डालना चाहती है डाल लेती है और पार्टी में जाती है अब मैडम लोएजल को सफलता मिलती है उसके पास काफ़ी सुंदर ड्रेस है सुंदर हार भी है जो उसको चाहिए था जब पार्टी में पहुंचती है तो सबसे सुंदर लग रही होती है हर कोई उसे देखता है हर कोई उसे नोटिस करता है और सभी मैंस जो है उसके साथ डांस करना चाहते हैं उसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो काफ़ी खुश थी उस दिन वो ऐसे सोच रही थी कि वो फर्स्ट टाइम धन्यवाद कर रही थी अपनी लाइफ में भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन स्टूडेंट्स आज हम इतनी ही स्टोरी करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स